दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जो बुक रिव्यू करने जा रहे हैं हम, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, जो 6 से लेकर 10 तक की जो 5 पाठ्यपुस्तकें होती है, कक्षा 6 से 10 तक की 5 पाठ्यपुस्तकें, उनसे जो विज्ञान की साइंस जो सेक्शन रहता है साइंस वालों के लिए, उनके लिए जो रीड स्पेशल ये बुक इन्होंने निकाल रखी है, आधारभूत विज्ञान के नाम से ये पुस्तक है, जो मार्केट में भी अवेलेबल है, फर्स्ट ट्रैक पब्लिकेशन की है, आधारभूत विज्ञान की पुस्तक है, रीड स्पेशल है। इसके लेखक है बीएल रेवाड़, पूर्व सहायक कमांडेंट और ग्रीमा रेवाड़ है। इस पुस्तक का हम पूरा का पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे, किस प्रकार का मैटर दिया हुआ है, ठीक है। और इनकी जो अन्य पुस्तकें यहाँ पे जो है, इनकी एक फर्स्ट रैंक की राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी आता है, मानचित्रावली भी आती है इनकी, कला संस्कृति यानी राजस्थान से रिलेटेड सारी की सारी पुस्तकें इन्होंने निकाल रखी है, ठीक है। ये इन्होंने आधारभूत विज्ञान, इसकी ओल्ड पुस्तक थी, इसमें मैटर और भी अच्छा था, जो पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताबें थी उनका निचोड़ दिया हुआ था इस बुक के अंदर, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में अभी आधारभूत जो नया एडिशन आया आधारभूत विज्ञान का, जो नई बुक्स आई हुई है एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनके आधार पर इन्होंने निकाल रखा है। बाकी बात करते हैं पीडीएफ के अंदर, ठीक है, चलते हैं पीडीएफ पर। मैंने अभी जो पुस्तक का जिक्र किया था उस पुस्तक की ये मैंने पीडीएफ बनाई हुई है। इसमें हम बात करेंगे जो यहाँ पे विषय वस्तु दे रखी है, कक्षा 6 की विषय वस्तु है। यहाँ पे 6 से 10 तक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देख सकते हैं आप, कक्षा 6 के अंदर टोटल 17 चैप्टर यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक जो RBSE की है उसके अंदर 17 के 17 जो चैप्टर हैं उनसे जो भी बनता है, जो भी शॉर्ट के अंदर इन्होंने सारा कुछ डाला हुआ है। इसी प्रकार कक्षा 7 के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो टोटल हैं 18 चैप्टर RBSE की बुक्स के अंदर हैं, जो भी इन्होंने 18 के 18 इंक्लूड कर रखे हैं, जिसमें से 18 में शॉर्ट इन्होंने शॉर्ट से शॉर्ट डालने का कोशिश किया, जो कि परीक्षा उपयोगी हो, ठीक है, परीक्षा उपयोगी होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो सारे के सारे चैप्टर दे रखे हैं 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक है। कक्षा 6 की बात करें अगर हम, तो पहला चैप्टर है भोजन के स्रोत, ठीक है। भोजन के स्रोत में जो पहली लाइन दे रखी है, प्राणियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हर एक चीज़ को उसी प्रकार जो RBSE की बुक है उसी प्रकार दिया हुआ है, पर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है इन्होंने। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक खास बात हो रहा है, इनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं इन्होंने, जो कि RBSE की बुक से भी लिए गए हैं और अदर सोर्स से भी लिए गए हैं, ठीक है। जो चैप्टर 2 नंबर यहाँ पे पादपों का पोर्शन है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट लाइनें, वन लाइनर, एक टाइप से वन लाइनर बोल सकते हैं, वन लाइनर, एक एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्होंने दे रखी है, ठीक है। ये चैप्टर देख सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से मेरा मानना है कि जो 6 से 10 तक की पुस्तकें अब सभी के पास नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, तो सभी के पास नहीं मिलेगी, कोई एक आध होगा जिसके पास बुक्स होगी, तो सभी बुक्स खरीदने की बजाय अगर एक बुक में सारा का सारा हमें मैटर इकट्ठा मिल जाए तो सबसे बेटर रहता है, क्योंकि एक बुक पढ़ना आसान होता है, अलग अलग पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो एक पुस्तक के अंदर सारा का सारा मैटर दिया हुआ हो तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। हमारे द्वारा इस बुक का रिव्यू किया गया है, किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा आप ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो आपको नई बुक रिव्यू हो वो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नई बुक रिव्यू के साथ। अगर आपको किसी भी बुक का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले समय में उस बुक का रिव्यू ज़रूर कर सकें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।